गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकलन समीकरण। जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये कोई यथार्थ अवकलन समीकरण। कब होगी ये यथार्थ? डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये बराबर हो तो ये यथार्थ अवकलन समीकरण। इसका हल होगा एम डी एक्स प्लस एंड में एक्स रहित पर डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका हल होगा। अब अपन देखेंगे कि रेखीय अवकलन समीकरण, nth ऑर्डर की कोई रेखीय अवकलन समीकरण है उसका हल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए अपन देखते हैं, जैसे इस प्रकार की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है p नॉट डी एंड वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस p1 डी एंड माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस p2 डी एंड माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस n सो प्लस पी एंड वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये कोई nth ऑर्डर की रेखीय अवकलन समीकरण है। इसको यथार्थ विधि से कैसे हल करेंगे, जहां पी वन पी नॉट पी वन पी एन चार एक्स के फलन है, एक्स के फलन अपन देखेंगे p नॉट डैश p1 डैश pn डैश यानी x के सापेक्ष एक बार अवकलन है, और इसी प्रकार p नॉट डबल डैश ये निरूपित करता है कि x के सापेक्ष दो बार अवकलन, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। इसका हल करने के लिए अपन इसमें देखें p नॉट dn माइनस वन वाई अपॉन dx की पावर n माइनस वन, इसका अपन एक बार अवकलन करें तो ये अपना प्रथम पद इसका मिल जाता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, p नॉट डी एन माइनस वन वाई प्लस क्यू वन डी एन माइनस वन वाई प्लस क्यू टू डी एन माइनस टू वाई प्लस एंड सो प्लस क्यू एन माइनस वन वाई इज इक्वल टू समाकलन क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। इसका अपने एक बार अवकलन करें तो इसका ये प्रथम पद यानी ये अवकलन समीकरण अपने को प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर p नॉट डी एन वाई प्लस p नॉट डैश डी एन माइनस प्लस क्यू वन डी एन माइनस वन वाई प्लस क्यू वन डैश डी एन माइनस टू वाई प्लस एन सो इज प्लस क्यू एन माइनस वन डैश वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स।
समीकरण दो व तीन की तुलना करें अपन, तो ये हो गया साहब P नॉट इज इक्वल टू P नॉट, P वन इज इक्वल टू P नॉट डैश प्लस Q वन, P टू इज इक्वल टू Q वन डैश प्लस Q टू, इसी प्रकार पी एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस टू डैश प्लस क्यू एन माइनस वन, Pn is equal to Qn minus 1 dash. इसको और सिंप्लीफाई करें अपन, तो ये हो गया साहब P नॉट इज इक्वल टू P नॉट Q1 इज इक्वल टू P1 minus P नॉट dash, Q2 इज इक्वल टू P2 minus P1 dash plus P0 double dash, Q3 is equal to P3 minus P2 double dash plus P1 P dash P2 dash plus P1 double dash minus P0 triple dash. इसी प्रकार Qn is equal to Pn minus Pn minus 1 dash plus Pn minus 2 double dash minus and so on. Minus P0 ये अपन मान समीकरण दो में रखे हैं, अपन समीकरण दो में रखे हैं, तो अपन को समीकरण दो का P नॉट डी एन वाई प्लस P वन माइनस P नॉट डैश डी एन माइनस वन वाई प्लस P2 minus P1 dash plus P0 double dash Dn minus 2i plus and so on plus minus 1 की power n प्लस पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू डैश प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस वन की पावर एन पी नॉट एन डैश वाई इज इक्वल टू समाकलन क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी वन. अब इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि Pn माइनस Pn माइनस वन डैश प्लस Pn माइनस टू डबल डैश प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस वन की पावर n P
पी एन पी नॉट डैश एन इज इक्वल टू जीरो हो तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसका एक हल ये होगा। इसी प्रकार अपन देखते रहेंगे कि ये जिस शर्त का पालन करता है तो वह एग्जैक्ट यथार्थ अवकलन समीकरण है, उसका एक कम ऑर्डर का अपन अवकलन समीकरण याद करेंगे, ऐसे रेड्यूस होते होते और ये y का हल अपने को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।